दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप उसका रिव्यू देख लीजिए। 54,000 लोगों ने इस पे रिव्यू दिया है और यहाँ पे 4.5 की इसकी रेटिंग है और वेरीफाइड भी ये कंपनी है, तो 100% जेन्युइन वेबसाइट है। यहाँ पे काम करके लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आप नीचे आके इनका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है mobrogue.com, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे काम क्या होता है, पेड ऑनलाइन सर्वे, आपको कुछ सर्वे मिल जाएंगे, उन्हीं को आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों ऑन एवरेज बिटवीन 0.5 and $3 क्रेडिट पर कंप्लीटेड सर्वे, ठीक है। इनका जो एवरेज है वो $0.5 से लेके $3 तक आपको क्रेडिट करेंगे पर सर्वे के हिसाब से। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो काम कैसे करना वो यहाँ पे समझाया गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक पार्ट इन सर्वे ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाएगा, उन पे आपको सर्वे फिल करना पड़ेगा। यू हाउ फंड गेट पेड योर ओपिनियन, ठीक है। आप जब अपना ओपिनियन दे देंगे तो आपको यहाँ पे पैसे दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे विड्रॉ कैसे लेना है, पेपाल में आप ले सकते हैं, स्क्रीन में भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे और आएंगे तो और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, गिव योर ओपिनियन, मेक मनी, हैव फन, जो भी आपको रीड करना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अकाउंट बनाना ही मेन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस दोबारा डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को रिपीट कर देंगे। निक नेम मतलब हुआ दोस्तों आप अपना एक यूजर नेम डाल लीजिएगा। यूजर नेम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है और निक नेम, ठीक है। ये मेन प्रोसेस है, ये हमेशा आपका याद रहे, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ लेने के समय हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। मेल और फीमेल में अपना जेंडर डाल दीजिएगा, जो भी आपका जेंडर है। पोस्ट कोड का मतलब हुआ दोस्तों आपके एरिया का पोस्टल कोड, यानी कि पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑपरेशन स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे फुल टाइम वर्क करना चाहते हैं या फिर क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे रिटायर्ड है, आप पर्टिकुलर क्या ये पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ या फिर फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ वो सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन लेवल पूछ रहा है आपका कि आपने कौन सा एजुकेशन किया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर ये कोड ये वाला कैप्चा डाल के आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके जीमेल आईडी पर इस तरह का एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म हो गया। आप थोड़ी देर में ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो गया। अब ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्वे हैं, योर करंट बैलेंस, मेरा जो करंट बैलेंस है वो अभी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया तो मेरा अभी जीरो ही भी दिखाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं सर्च फॉर ये न्यू सर्वे, इतना यूएसडी का मुझे एक सर्वे मिलेगा अगर जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैं सर्वे पूरा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सर्वे मिला है, ठीक है, $0.02 का, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वे में यही होगा कंट्री लैंग्वेज, आपका जो कंट्री है उसका लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे मेरा इंडिया है, तो मुझे यहाँ पे जस्ट इसी तरह खोजना पड़ेगा कि मेरा इंडिया है, तो मैं इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा कंट्री लैंग्वेज जो है वो इंडिया है, इंडिया का हिंदी है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इंडिया देखूंगा है या नहीं। इंडिया इंग्लिश है तो इंडिया में इंग्लिश भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि अपना डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, वहां पे कुछ और डालते हैं, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डाला हूँ सिंपल सा वही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेल पे क्लिक कर देना है, फीमेल पे है तो फीमेल पे क्लिक कर। अब यही दोस्तों आपका क्वेश्चन है, यहीं से आपको ये सर्वे अवेलेबल है इनके पास या नहीं है वही आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका पोस्टल कोड है, तो क्या मैं दिल्ली वाला पोस्टल कोड मैंने डाला था तो वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनुअल ग्रॉस हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है कि आप पूरे घर में आपके कितने अर्निंग होती है, ठीक है, पूरे सालाना में, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपसे यहाँ पे एजुकेशन पूछ रहा है, आप वहाँ पे आपने एजुकेशन प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए कुछ और डालेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन भी डाल देता हूँ, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे काम क्या करते हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम में करता हूँ वो भी मैं डालूंगा। अब यहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आप सालाना करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आपके घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आप डाल देंगे, ठीक है, 18 साल से नीचे, तो वो पूरा डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो सर्वे है वो आप उसके लिए अवेलेबल है या नहीं ये आपको बताएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या होता है, यहीं से दिक्कत होने लगती है कि भाई मेरे को सर्वे नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। अब जो आपने ये अभी अभी पूरा आंसर डाला है वो आपको याद होना चाहिए, वही चीज आपको इसमें डालना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर सबमिट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मुझे सर्वे हो गए, अब इसको मुझे सबमिट करना है। यहाँ पे मान लेता हूँ ये मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मेरा सर्वे जो है वो चालू हो गया, और यही सर्वे जब मैं फिल करूंगा तो मुझे अर्निंग होगी, ठीक है।
तो ये चीज आप आके कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट सर्वे, आप ये देख सकते हैं 5 मिनट का एक और सर्वे है, इसको मैं करूंगा तो यहाँ पे अमाउंट अभी नहीं शो है लेकिन मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे लॉटरी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे इनवाइट योर फ्रेंड का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। आपका प्रोफाइल यहाँ पे अगर जो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना निकनेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मेल एड्रेस जो है वो डाल दीजिएगा, फोन नंबर आप डाल के इस सेव नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे अकाउंट बनाना मैंने बता दिया, अब वहीं से वीडियो कट करके चले जाएंगे, या फिर कुछ वीडियो देखे होंगे जहां पे वहीं तक बताया होगा कि आप अकाउंट बना लीजिए वहां से सर्वे कीजिए, तो वहां से क्या होता है कि उनको सर्वे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अब जब तक ये 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको सर्वे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, नाम लास्ट नेम डाल के, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अपना डाल के, फोन नंबर डाल के, ठीक है। फोन नंबर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन एड्रेस और नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब तो डाल करके नीचे सेव का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे, आपका जो एड्रेस है, जो यहाँ पे प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100% कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद एडिशनल डेमोग्राफिक है तो वो भी आप डालिएगा, जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो गया 100%, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल डेमोग्राफी है, ये चीज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल कौन सा है, फिर उसके बाद हाउस होल्ड इनकम आपसे पूछ रहा है कि आपका हाउस होल्ड इनकम क्या है, ठीक है। तो इसी तरह आपका पूरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हाउस होल्ड इनकम है, अब यहाँ पे आपको कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है, देख सकते हैं ये सभी चीज है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ आपको सही कुछ गलत डालना, लेकिन आप यहाँ पे पूरा एड्रेस जो भी डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम में आपका कितने इंक्लूड है, कितने लोग आपके घर में कमा रहे हैं, तो ये जैसे 3% है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल इमटेरियल स्टेटस क्या है, तो आप क्या आप सिंगल है या फिर क्या है वो चीज डालना पड़ेगा, तो ये पूरा डिटेल्स आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अक्यूरेशन का ऑप्शन है, आपका अक्यूरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी 100% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिव का ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन है, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये जब पूरा फिल कर देते हैं तो आपको इतना ज्यादा सर्वे आते हैं, और सर्वे वही आएंगे जो कंप्लीट होने के चांस जिसके ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ये फायदा रहता है। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, माय बैलेंस का ऑप्शन है, आपका बैलेंस दिखाई देगा, अचीवमेंट्स में आपके अचीवमेंट दिखाई देंगे, लॉटरी में आपका जो भी लॉटरी लगेगा वो दिखाई देगा। जैसे मैं लॉटरी पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे लॉटरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एवरी सक्सेसफुल कंप्लीट सर्वे में आपको कुछ ना कुछ लॉटरी मिलता है, तो वो लॉटरी जो है वो 100 यूरो तक हो सकता है, ठीक है, 100 यूरो तक आप जीत सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो आपके ऊपर है, आप क्या टिकट यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको ये रहता है, ठीक है, और टिकट नहीं बाय करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो वो चीज छोड़ दीजिएगा। आपको जस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम सर्वे करके। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कब कितना बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे अचीवमेंट्स ये वाला है जी, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 अचीवमेंट, नंबर 2, नंबर 3, ये सभी अचीवमेंट्स है। 5 कंप्लीट करेंगे तो आपको ये अचीवमेंट्स मिल जाएगा, 10 कंप्लीट करेंगे तो आपको ये अचीवमेंट्स मिल जाएगा। अब ये अचीवमेंट्स क्या है जब ये आप ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माय बैलेंस के ऑप्शन पे आपका बैलेंस दिखाई देगा, और यहाँ से भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो यू हैव अर्न नो मनी, अभी मैंने कोई भी पैसा यहाँ पे अर्न नहीं किया तो मेरा बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जब यहाँ पे मैं अर्निंग कर लूंगा कुछ तो मेरा बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से मुझे सर्वे पूरा करना है, यहीं से काम करना है। अब सर्वे पूरा करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे आ गया। अब इसी सर्वे को मुझे पूरा करना है, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस था कि आपको सर्वे कैसे पूरा करना है, क्या करना है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको विड्रॉ कैसे लेना है, कैसे अपना पेपाल का अकाउंट जो है वो सेटअप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका जब $6 हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे करंट योर बैलेंस 0 है, तो इसी पे क्लिक करना है, USD जो ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको दोस्तों अपना पेपाल का सेटअप करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन में लेना चाहते हैं, पेपाल में लेना चाहते हैं, वही सेटअप करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्लिक करता हूँ पेपाल वाले ऑप्शन पे, पेपाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेपाल का जीमेल आईडी डाल के इसको कॉन्टेक्ट कर देना है अपने पेपाल से, ठीक है। और यहीं से आप विड्रॉ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेपाल का मैंने डाला, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 3-4 आप इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो पूरा डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट है तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज आप रीड कर लेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये अकाउंट में इतना USD होना चाहिए, और यहाँ पे payout possible in maximum 2 times per day, आप एक दिन में 2 बार ही विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिन भर आप विड्रॉ ही लीजिए, लेकिन एक ही बार में बहुत हो जाता है दोस्तों, एक दिन में एक ही बार। और जब दोस्तों यहाँ पे आपका $6.25 हो जाएगा
तो आप यहाँ भी ये चारों स्टेप पे आप ओपन करके यहीं से आप अपना पेपाल सेटअप करके और यहीं से आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।